हमेशा से भारत के साथ भाई भाई का रिश्ता निभाने वाला नेपाल अब चीन की चाल में फंस गया है। चीन की गोद में खेल रही ओली सरकार भारत पर आंखें तैरा रही है, जिसके बाद से नेपाल बॉर्डर पर भी माहौल गर्म हो गया है। चीन के चंगुल में नेपाल, नेपाल को चीन की झोली में डाल रही ओली सरकार। पहली बार भारत से लगी सीमा पर उतारी सेना। कब्जाई जमीन, रोका नदी का बहाव। अपने नए आका की सरपरस्ती में सदियों से भारत का दोस्त रहा नेपाल भी अब आंखें तरेरने लगा है। चीन के चतुराई को समझने में नाकाम नेपाल भारत के साथ अपने रोटी बेटी के रिश्ते को खत्म करने पर आमादा हो चला है। नेपाल के सुर बदले हुए हैं, अब वो पूरी तरह से चीनी भाषा बोल रहा है। सीमा पर वो चीन जैसी हरकतें भी करने लगा है। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही नेपाल ने पहली बार बिहार से सटी सीमा पर सेना तैनात कर दी है। कोरोना क्वारंटीन सेंटर के नाम पर बने कैंप दरअसल नेपाली सेना के ही ठिकाने हैं। बिहार बॉर्डर पर चीन के करीब 400 टेंटों में नेपाली जवान रुके हैं। नेपाल ने सीमा पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। अब तक जिस सीमा से बेरोक टोक आवाजाही रही है, उन्हीं सरहदों पर अब बंदिशें हैं। हर 100 मीटर पर नेपाल आर्म्ड फोर्स के जवान तैनात हैं, जो सीमा पार करने वालों को रोक रहे हैं। सुपौल के कुनौली बॉर्डर के सामने नेपाल के राज बिराज भंसार ऑफिस के पास सेना की आवाजाही कई बार देखी गई है। तो इधर मधुबनी के मधवापुर से सटी मटिहानी की तरफ भी नेपाली सेना की गतिविधियां देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत से लगती 1751 किलोमीटर की सीमा पर नेपाल सशस्त्र बलों की 220 पोस्ट बनाने की तैयारी है। खबर है कि बिहार के वाल्मीकि नगर में सुस्ता क्षेत्र पर नेपाल ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। गंडक नदी के कटाव के कारण सुस्ता सहित कुछ जगहों पर विवाद है। सुस्ता इलाके की 7100 एकड़ जमीन पर भी नेपाल के साथ पुराना विवाद है। अब नेपाल ने सुस्ता के साथ लगे नरसही जंगल पर भी दावा ठोक दिया है। नेपाल आर्म्ड फोर्स ने यहाँ कैंप बना लिए हैं और त्रिवेणी घाट के पास नदी किनारे जंगल में भी नेपाल ने अपना झंडा लगा दिया है। नेपाल चीन के इशारे पर नाच रहा है। भारत से अपनी दोस्ती को भुला हमारा ये पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ रची जा रही चीन की साजिश का साझेदार बनता जा रहा है। आलम यह है कि नेपाल भारतीय सीमा तक आने के लिए हर 10 से 20 किलोमीटर पर चौड़ी सड़कें बना रहा है। भारत में सोनबरसा तक 2 लेन सड़क है, नेपाल ने इसके समानांतर 4 लेन सड़क बना ली है। जनकपुर जाने के लिए भिट्ठा मोड़ तक नेपाल ने 4 लेन का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। और तो और, नेपाल सीमा क्षेत्र से गुजरने वाली सभी सड़कों को नारायणी से भुटवल तक जाने वाली हाईवे से जोड़ दिया है। ये वही हाईवे है जिसका निर्माण चीनी एजेंसी कर रही है। दरअसल चीन के चंगुल में आने के बाद से नेपाल में भारत विरोधी भावना भरी जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा नेपाल की जनता भुगतने लगी है और नेपाल में फूट चुका है महंगाई बम। नेपाल में फूटा महंगाई बम, खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में। दरअसल भारत के सीमावर्ती बाजारों से अनाज, दवाइयां और दूसरे सामान उस पार जाते हैं। आमतौर पर नेपाल के बाजार में खाने पीने के सामानों की कीमत भारतीय बाजार से 5 रुपए अधिक होती थी, पर सरहद पर नेपाल की पैंतरेबाजी से अब कीमतें दोगुनी हो चली हैं। यहाँ खाद्यान्न की कीमत आसमान छूने लगी है। नमक 100 और सरसों तेल 250 रुपए किलो तक बिक रहा है। भारत से दूरियां बनाने के लिए नेपाल की ओली सरकार ने रोटी बेटी दोनों ही रिश्तों पर चोट की है। भारत से ब्याह कर नेपाल जाने वाली बेटियों को अब 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता देने का बिल संसद में पास किया है, लेकिन जिसके नाम का सिंदूर माथे पर लगा ले, पूरा जीवन उसके नाम कर देने वाली बेटियों की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद पर शंका करने वाली ओली सरकार खुद संकटों में घिरती जा रही है। दरअसल नेपाल में चीन को लेकर सरकार की नरमी से एक बड़े तबके में नाराजगी है। नेपाल और चीन ने 5 अक्टूबर 1961 को सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन नेपाली गांवों पर कब्जा कर रहा है।
नेपाल के कृषि मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि चीन ने 10 जगहों पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, वो तिब्बत में नदियों का रास्ता मोड़कर नेपाल की जमीन कब्जाने में लगा है। सूत्रों के मुताबिक 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई है और कब्जा कर लिया गया है। आलम यह है कि भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े रुख पर अड़े पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। वहां सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली से उनके इस्तीफे की मांग की है, इस चेतावनी के साथ कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। ओली ने इस्तीफे से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कुर्सी पर मंडराते खतरे के बादल और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान के बीच वो लोगों का ध्यान भटकाने में जुटे हैं। इसके लिए वो उग्र राष्ट्रवाद का हथकंडा आजमा रहे हैं। भारत पर इशारों में आरोप लगा रहे हैं कि भारत उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है। जाहिर है जो असली साजिश रच रहा है वो चीन नेपाल को आज अपना दोस्त दिखाई पड़ रहा है, और जिसने सदियों दोस्ती निभाई, भूकंप से लेकर किसी भी मुसीबत में जो सदैव साथ खड़ा रहा, वही भारत अब नेपाल को दुश्मन नजर आने लगा है। ये नेपाल की बड़ी भूल है। ऐसी भूल इतिहास में ऐसी तारीखें लिख जाती हैं जिस पर सदियों पछताना पड़ता है। हिंदुस्तान ने भी पापी चीन को भाई समझने की गलती की थी, बदले में मिला पीठ में खंजर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।